हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, पिछले दिनों मैंने आपसे एक छोटी सी प्लांट्स की शॉपिंग वीडियो शेयर की थी। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये कैलासिया फ्रेग्रेंस का प्लांट लिया है। आज मैं इसी की केयर के बारे में आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। कैलासिया फ्रेग्रेंस, जिसे इंच प्लांट, चेन प्लांट या बास्केट प्लांट जैसे कई नामों से जाना जाता है, ये हाइट में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन साइड से ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। हालांकि मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में नहीं लगाया है, इसे मैं काफ़ी समय से अपने गार्डन में ऐड करना चाहती थी। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, जिसे हम इनडोर आउटडोर दोनों ही जगह पर रख सकते हैं। इस प्लांट की पत्तियाँ साफ चमकीली हरे कलर की होती हैं। इसकी पत्तियां इस तरह से होती हैं जो अपने आप में ही एक ग्रीन कलर के फूल की तरह दिखाई देती है। इसे इसके फोलियज ब्यूटी के कारण ही गार्डन में लगाया जाता है। इसमें छोटे छोटे से सफ़ेद कलर के फूल भी खिलते हैं, जो दिखने में उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। इस प्लांट की जो सबसे खास बात है, वो है इसके साइड से जो सकर्स की तरह बेबी प्लांट निकलते हैं। वो इन सकर्स के मैच्योर होने के बाद इनके आखिरी छोर पर फिर से पत्तियों का एक फूल सा बन जाता है, और इस तरह से इस एक प्लांट के चारों ओर ऐसे कई सारे सकर्स निकलते हैं, जो एक्चुअली में इसके बेबी प्लांट होते हैं। धीरे धीरे ये बेबी प्लांट मैच्योर होते हैं और इस प्लांट के चारों ओर एक बास्केट की तरह बना देते हैं, इसलिए इसे बास्केट प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट को छोटे, मीडियम और बड़े तीनों साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। उसी के हिसाब से इसकी ग्रोथ भी होती है। छोटे पॉट में थोड़ी कम और बड़े पॉट में ज़्यादा ग्रोथ होती है इस प्लांट की, लेकिन सभी तरह के पॉट में ये प्लांट बहुत खूबसूरत दिखता है। मेरे ज़्यादातर प्लांट्स के लिए मैं जो पॉटिंग सॉइल बनाती हूँ, जिसमें होता है एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट, वैसे ही सॉइल मैंने इस प्लांट के लिए भी बनाया है। इस तरह की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल होती है और पोरस होती है, यानी वेल ड्रेन होती है, जो ज़्यादातर पौधों के लिए सूटेबल होती है। इस प्लांट को मॉडरेट वाटरिंग पसंद है, यानी जैसे ज़्यादातर प्लांट्स को हम रेगुलर वाटरिंग करते हैं, वैसे ही न कम न ज़्यादा। सनलाइट की अगर बात करें तो ये आउटडोर और पार्शियल शेड दोनों में ही अच्छे से चलता है। इसका प्रोपेगेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके सकर्स में देखिए, इस तरह से नीचे से रूट्स निकल आते हैं। अगर रूट्स ना भी निकले तो भी इन सकर्स को अगर काट कर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो नया प्लांट बन जाता है, और जब इस तरह से रूट्स निकल आते हैं तब तो और भी इजी हो जाता है इसका प्रोपेगेशन। इसे बिना काटे भी अगर इसके साइड पर कोई पॉट रख कर उसकी मिट्टी में इसे दबा दे तो भी नया प्लांट बन जाता है, और केवल पानी में भी इसकी रूट अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो चलिए, आज आपके साथ इस प्लांट की सकर्स की कटिंग लेकर नया प्लांट ग्रो करती हूँ, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे प्लांट का प्रोपोगेशन करना बहुत पसंद है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग ले लेती हूँ और इस प्लांटर पर मैं इसे लगा दूंगी। इसमें मैंने पहले से ही वेल ड्रेन सॉइल भर कर रखा है और उसे हल्का सा गीला भी कर लिया है, और फिर मैंने इसके रूट्स वाले हिस्से को मिट्टी में दबाते हुए ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, ताकि इसमें रूट्स की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। और इसकी जो भी ग्रोथ होगी उसकी अपडेट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी केयर वीडियो कैलासिया फ्रेग्रेंस या इंच प्लांट के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।